पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो ये शाब्दबोध में आकांक्षा का ज्ञान, योग्यता का ज्ञान और सन्निधि का ज्ञान हेतु होता है। आकांक्षा को बता दिया है ना? तो पदस्य पदांतर व्यतिरिक प्रयुक्तान्वया ननुभावकत्वम आकांक्षा है ना? तो ये होता है, पद में आकांक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे घटम कह दिया तो घटम कह दिया तो घट के अव्यवहित उत्तर में अम पद है ना? इसलिए अम पदम घट पदवत, अम पदम घट पदवत मतलब अम पद विशेषक घट पद प्रकार का ज्ञान होगा अव्यवहित उत्तर संबंध से, तब तो जा करके शब्दबोध होगा। घटियम कर्मत्वम ये शब्दबोध होगा ना? तो घटम क्योंकि ये वाक्य है कि नहीं, घटम वाक्य है क्योंकि वाक्यम पद समूह नहीं, और पद किसको कहते हैं? सप्तम पदम। तो घट में भी शक्ति है और आम में भी शक्ति है नहीं? तो इसलिए जो है आकांक्षा घट पद की आकांक्षा आम पद में है, आम पद की आकांक्षा घट पद में है कि नहीं? इसलिए ये जो ज्ञान है आकांक्षा का ज्ञान है ना, तो ये शब्दबोध में क्या होगा? कारण होगा, शब्दबोध में घटिया कर्मत्व ज्ञान के प्रति हो जाएगा कारण। ठीक है। उसके बाद देखो, अर्थाबाध हो योग्यता कहा मूल में था ना? तो अर्थस्य अबाध अर्थाबाध, अर्थ का बाध नहीं होना मूल में था कि नहीं? तो लिख दिया न्यायवाद ने बाधा भावो योग्यता, जिसका बाद ना हो उसी अर्थ में क्या आएगी? योग्यता आएगी, उसी में क्या आएगी? योग्यता आएगी। ठीक है, योग्यता का ज्ञान भी होना चाहिए है ना? जैसे मूल में आया, क्या आया था मूल में? बर्णिना सिंचित, बर्णिना कहो चाहे अग्निना कहो है ना भाई? तो यहां पर देखो, केवल अग्निना कहेंगे, केवल अग्निना कहेंगे तो पदार्थ का ज्ञान होगा नहीं हो रही क्यों? नहीं होगा। पदार्थ का ज्ञान होने में क्या आपत्ति है? पदार्थ ज्ञान हो जाएगा आप फिर वही तो पूछ रहा हूं। पदार्थ ज्ञान अग्नि, हाँ अग्नि है, उसके बाद टा है तो टा का अर्थ क्या है? करण। जी करण हाँ, इसलिए अग्निया करणत्तम। लेकिन पदार्थ का ज्ञान होगा, क्या होगा? हाँ अग्नि का पदार्थ का ज्ञान तो हो जाएगा कि नहीं? हाँ सिंचेत, यहाँ पर ही पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना? फिर भी जो है पदार्थों का ज्ञान तो होगा लेकिन शब्दबोध नहीं होगा कि नहीं है ना? शेक कर्णकत्वम, कर्णत्वम कहाँ पर है? अग्नि में है। यही तो है, कहाँ पर? अग्नि में है कि नहीं? तो ऐसा ऐसा अर्थ का ऐसा अर्थ होगा कि
क्यों कि बाद हो जाएगा, बाद हो जाएगा ना, बाद हो जाएगा, शब्द बोध नहीं होगा, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। शेख कर्णत्व किस का सामर्थ्य अग्नि में नहीं है ना, कहाँ भाई, सिंचाई करना, सिंचाई करना रूपी जो क्रिया है उसका करण अग्नि है क्या, नहीं ना है, है? ये साध बोध नहीं होगा, क्यों, क्यों, हाँ क्योंकि जो है योग्यता नहीं हुआ, अर्थ का बाद हो गया, क्या हो गया, अर्थ का बाद हो गया है कि नहीं, तो अर्थ का बाद हुआ तो योग्यता का ज्ञान हुआ क्या, नहीं, नहीं हुआ, लेकिन पदार्थ का ज्ञान तो होगा, क्योंकि पदार्थ का ज्ञान से वाक्यार्थ बोध, वाक्यार्थ अलग होता है, वाक्यार्थ अलग होता है, पदार्थ का ज्ञान होने मात्र भी, होने मात्र से पदार्थ ये वाक्यार्थ का बोध नहीं होता है। अन्न के बाद कहाँ आई यहाँ पर, अन्न नहीं, अर्थ का बाद हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, अर्थ का बाद हो गया, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए जो है, जो है ये यही तो कह रहे हैं, योग्यता का ज्ञान होना चाहिए ना, है ना, सिंचन रूपी जो क्रिया है उसका कारण अग्नि नहीं है, योग्यता नहीं है उसमें, तो योग्यता न होने से वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, ये बोल रहे हैं, आए समझ में, देखो लिखा है, देखो बाधा भाव योग्यता लक्षण हो गया, आगे उदाहरण दिया, अग्निना सिंचित इत्यत्र शेक कर्णत्व, है ना, शेक हो गया क्रिया सिंचाई करना, उसका कर्णत्व है, कर्णत्वस्य कहाँ पर है, जल में है कि नहीं, वो तो जल में है, जलादि धर्मस्य है कि नहीं, तो शेक कर्णत्व जलादि का धर्म है, क्या शेक कर्णत्व कहाँ पर है, जलादि में हो, वो जल का धर्म है ना, बन्नौ बाध निश्चय सत्वात, बन्नी में उसका बाद हो गया है ना, तो बन्नी में क्या नहीं आया, शेक कर्णत्व नहीं आया, बन्नी में नहीं है, यही बाद हो गया, ये निश्चय हो गया ना, बाध निश्चय, उसका अभाव का निश्चय हुआ, यही तो बाद का निश्चय है, शेक कर्णत्व का अभाव है कि नहीं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है ना, ऐसा होने से, ऐसा होने से न तादृश वाक्यात् शब्द बोध, इसलिए उस प्रकार का वाक्य से, किस प्रकार का वाक्य से, अग्निना सिंचित इस वाक्य से शब्द बोध होगा नहीं होगा, शब्द बोध नहीं होगा, ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, सन्निधिम निरूपयति, अब सन्निधि है, सन्निधि, सन्निधि का भी ज्ञान होना चाहिए ना, तो मूल में था कि पदानाम अविलंबिनो उच्चारणम सन्निधि, ये था पदार्थों का उच्चारण विलंब से नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या रहेगी, सन्निधि रहेगी, हाँ तो फिर शब्द बोध होगा, है ना, ये कहा, जैसे मूल में था क्या था, प्रहरे पहरे असहज उच्चारितानि गामालय इत्यादि पदानि न प्रमाणम, अलग अलग प्रहर में कहा, समय का विविधान हो गया ना तो और दूसरे दूसरे प्रहर में कहा, साथ में उच्चारण नहीं किया, गाम कह दिया, फिर आगे अनय कह दिया, हाँ तो यहाँ पर देख लो, आकांक्षा है, आकांक्षा भी है, योग्यता है, योग्यता भी है पदार्थ का भी ज्ञान हो रहा है, हो रहा है, लेकिन क्या नहीं है, सन्निधि नहीं है, पौधों में सन्निधि नहीं है कि नहीं, इसलिए शब्द बोध नहीं होगा, ठीक है नारायण, इसलिए क्या तात्पर्य हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि तीनों का जो ज्ञान है ना, ये वाक्यार्थ ज्ञान, ये शब्द बोध में हेतु है, और तात्पर्य ज्ञान भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तात्पर्य ज्ञान भी होता है ना, ऐसा न्याय सिद्धांत मुक्तावली में है, ठीक है, अच्छा, वाक्यम द्विविधम,
बोलिए। वैदिकम लौकिकम च वैदिकम ईश्वरोक्त सर्वमेव प्रमाणम लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यत अप्रमाणम वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्कर्णम शब्द। देखो भाई, तो कहते हैं कि जो है वाक्यम द्विधम, वाक्य क्या है मालूम है? वाक्य क्या है? हाँ, वाक्यम पद समूह, पदों का समूह को कहते हैं वाक्य, है ना। इसलिए वो वाक्य दो प्रकार का हो जाएगा, वैदिकम लौकिकम। ये दोनों में से कौन है वाक्य? दोनों वाक्य है, हाँ। तो दोनों वाक्य क्यों कहा जाएगा? वाक्य प्रमाण है ना, वाक्य क्या है? प्रमाण है, वो तो है पदानाम समूह, प्रमाण है, हाँ। प्रमाण कब होगा? यदि प्रमा का जनक होगा तो, प्रमा शब्द बोध कोई उत्पन्न करेगा तब तो उसको प्रमाण कहोगे ना। नहीं तो प्रमा करना तुम कहाँ आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, अब कहते हैं वैदिक जो वाक्य होता है वो प्रमाण क्यों होता है? आगे कह रहे हैं ईश्वरो उक्तत्वात् सर्वम एव प्रमाणम। सर्वम एव कौन? वैदिकम। सर्वम एव वैदिकम वाक्यम प्रमाणम, हेतु क्या हुआ? ईश्वर उक्तत्वात्, ईश्वर के द्वारा उच्चरित है ये। ईश्वर के द्वारा क्या मानते हैं लोग? उच्चरित मानते हैं। ईश्वर ने बनाया सारे जगत को, बनाया ईश्वर, तो फिर ये जग ये वेद को ही बनाएगा, ऐसा मानते हैं लोग। नहीं है लोग, पुरुष ही मानते हैं ना, ईश्वर रूपी जो पुरुष है उससे उच्चरित है, इसलिए उसमें कोई ईश्वर को उच्चरित भी पुरुष से हो जाएगा क्या? हम भी ईश्वर का निस्वार्थ मानते हैं। कौन? वेदांती लोग। हाँ, मानते तो है, मानने पर भी हाँ, पूर्व में जो वेद की अनुपूर्वी थी उसी को सर बनाता है ना, है ना। तो इसलिए ये पुरुष से नहीं हुआ, अपुरुष से हुआ, इसलिए वेद के ये अपने वेदांत के अनुसार, समझ में है ना, ऐसा है। यत धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्वकल्प में वेदों का, वेदों के वर्णों की अनुपूर्वी जैसी थी उसी प्रकार ईश्वर बोलता है इस कल्प में, इसलिए अपरिचित है। ठीक है, तो ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने बनाया इसलिए वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वज्ञ ईश्वर है कि नहीं। अब उसमें कोई विप्रलिप्सा कर्ण पाटव आदि हाँ ऐसे कोई दोष नहीं है, है कि नहीं। इसलिए ईश्वर का वाक्य क्या होगा? सब कुछ प्रमाण होगा, ये इनका कहना है। सर्वमेव प्रमाणम। अलौकिक वाक्य लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम, आप्तेन उक्तम आप्तोक्तम। यदि लौकिक वाक्य आप्त के द्वारा उक्त यदि हुआ हो तो प्रमाण होगा, ये कह रहे हैं, है ना। क्या? आप्त पुरुष आप्तस्तु यथार्थ वक्ता कि नहीं, तो उस वाक्य को क्या कहा जाएगा? प्रमाण कहा जाएगा, समझ में ना। अन्यत अप्रमाणम, है ना। तो अन्यत अप्रमाण आप्तोक्तम आप्तस्तु यथार्थ वक्ता कहा कि नहीं, समझ में ना। हाँ, तो और फिर जो आप्त हो गया, आप्त वाक्यम शब्दों कहा कि नहीं कहा? आप्त वाक्यम शब्द, आप्त क्या है? यथार्थ वक्ता कि नहीं, हो गया ना। हाँ, यथार्थ वक्ता हो जाएगा, पहले कह दिया। अच्छा, उसके बाद क्या? अवाक्यर्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम, वाक्यर्थ पदार्थ से भिन्न वाक्यर्थ है, हैं? पदार्थ से भिन्न वाक्यर्थ है क्यों नहीं? भिन्न है, पदार्थ अलग है, वाक्यार्थ अलग है,
कैसे कह रहे हो? पदार्थ की अपेक्षा रखता है वाक्य, अपेक्षा रखने से क्या वही हो जाएगा क्या? अपेक्षा रख तो भिन्न होगा ना तो घट का अर्थ अम का अर्थ अलग अलग हुआ है, और दोनों परस्पर में जो अन्वय है यही तो वाक्य अर्थ है, तो अलग नहीं हुआ, वो अलग हुआ है ना, इसे कह रहे हैं। ये वाक्य अर्थ हो गया अन्वय, वाक्यर्थ हो गया परस्पर पदार्थों का अन्वय, उसको कहते हैं वाक्यर्थ। उसका जो ज्ञान है इसको क्या बोलते हैं? शाब्द ज्ञानम, मतलब शाब्द प्रमा। तत्करणम शब्द, उसका जो करण होगा उसको कहेंगे शब्द, मतलब शब्द प्रमाण कहेंगे। पद ज्ञान को कहते हैं लोग ना, नव्य लयिक पद ज्ञान को, प्राचीन लयिक पद को कहते हैं, है ना। इति शब्द प्रमाणम, बोले नया बुद्धि ने देखिए वैदिकम का अर्थ वेद वाक्यम, वैदिकम का अर्थ वेद वाक्य है। इदम उपलक्षणम, जो वैदिक वाक्य को प्रमाण कह दिया इसको उपलक्षण ले लो, मतलब स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्व, ये उपलक्षण है यहाँ पर। मतलब वेद मूलक स्मृत्यादिनी अपि ग्राह्याणी, वेद मूलक जो स्मृति आदि है, स्मृति है पुराण है, इसको भी क्या कहा जाएगा? प्रमाण, क्यों? वेद मूलक हो गया ना, क्या स्मृति आदि वाक्य जितने भी हो जाएंगे हाँ, वो वेद मूलक होने से क्या होगा? प्रमाण हो जाएगा। उपलक्षण और अजनक लक्षण में क्या भेद है? क्या जी? उपलक्षण और अजनक लक्षण, भाई उपलक्षण का, उपलक्षण शब्द का भी दो अर्थ होता है, उपलक्षण शब्द का भी दो अर्थ होता है ना। उपलक्षण तो जैसे ये शब्द आ गया हाँ, वैदिकम उपलक्षण, वैदिक तो अपने वाक्य को बोध कराएगा, इससे इतर कौन? स्मृति वाक्य को बोध कराएगा, ये उपलक्षण हो गया। और आप क्या कह रहे हैं? हाँ वो उपलक्षण अलग है, वो उसको किसको? भोजन लक्षण तो संबंध को कहते हैं, लक्षण सबके संबंध लक्षण, उपलक्षण अलग चीज हो गया। वो उपलक्षण क्या है? जैसे कौवा को कहा जाएगा उपलक्षण, नहीं उपलक्षण कहते हैं कि जो है कार्य अनन्वित्य सति और विद्यमानत्व सति इतर व्यवर्तकोत्तम, वो उपलक्षण हो जाएगा, है ना। कार्य अनन्वित्य सति, देवदत्त घर के साथ कौवा का संबंध ही ना है, है वो जो उड़ चुका है कौवा तो कार्य के साथ क्या हुआ? अनन्वय हो गया ना, कार्य अनन्वित्य सति, है ना भाई। और अविद्यमानत्व सति, विद्यमान कहाँ है यहाँ पर? नहीं ना है, अविद्यमानत्व सति, ठीक है। इतर व्यावर्तकत्वम, इतर व्यावर्तकत्वम, इतर से व्यावर्तन भी करेगा, दूसरे घर से व्यावर्तन नहीं करेगा, करेगा ना। ये उपलक्षण होता है, हो गया। चलो अविद्यमान सति, इतर बोधकत्व, हाँ इतर व्यावर्तकत्व, इतर व्यावर्तकत्व, हाँ ऐसा होता है, ठीक है ऐसा। और उपाधि जानते हैं? उपाधि क्या आता है? उपाधि किसको बोलते हैं? उपाधि क्या है? ये तीन है ना, विशेषण उपाधि, विशेषण उपाधि और उपलक्षण, मतलब तीनों में अंतर होता है। विशेषण क्या होता है जानते हैं? विशेषण ये होता है देखो, कार्यान्वित्य सति, कार्यान्वित्य सति, विद्यमानत्व सति, विद्यमानत्व सति, इतर व्यवर्तकत्व, ये होता है विशेषण है। कार्यान्वित्व सति, विद्यमानत्व सति,
इतर व्यवर्तकत्व है ना। हाँ जैसे नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, नीला हो जाएगा विशेषण उत्पल का, हो जाएगा ना। हाँ क्योंकि उत्पल के साथ नील का संबंध है कि नहीं, कि नहीं है, है ना। तो कार्य से अन्वय हो गया और विद्यमान भी है और दूसरे पुष्पों से व्यावर्तन कराएगा कराएगा यदि नीला हो गया विशेषण, ठीक है। और एक होता है उपाधि, एक होता है उपाधि, उपाधि कहाँ उपाधि बताया, वो तो उपलक्षण बताया अभी। अरे वो तो यहाँ का उपाधि हो, जो हेतु में जो उपाधि लगती है वो अलग है, वो हाँ वो अलग है ना। तो ये उपाधि क्या है, हैं? तो उपाधि क्या है देख लो। तो जैसे मान लो स्फटिक है, स्फटिक तो सफेद है, आप पास में रख दिया जपा कुसुम पुष्प को, लाल पुष्प को रख दिया कि नहीं, हाँ तो उसमें लोहित दिखता है ना स्फटिक में, प्रतिबिंब दिखेगा। तो वहां पर पुष्प क्या हो गए, उपाधि है ना। तो उसका संबंध है क्या, लोहित्य का कोई वास्तविक संबंध है क्या स्फटिक के साथ, कार्य से अन्वय है कि अनन्वय है, लेकिन विद्यमान है सामने, विद्यमान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सुन रहे कि नहीं। तो अब उपाधि का लक्षण क्या होगा, सुनो, कार्यानन्वित्व सत्य लिखो, उपाधि इसको कहा जाए कार्यानन्वित्व सत्य, अनन्वयी, अन्वयी ना लिखना, कार्यानन्वित्व सत्य विद्यमानत्व सत्य इतर व्यवर्तकत्व, ये होते उपाधि, सुन रहे ना। ये हो गई विद्यमान सती इतर व्यावर्तकत्व, इतर व्यावर्तकत्व हो जाएगा, ठीक है, हो गया। हाँ अन्वयित्व सती, अन्वयी है ये, अनन्वयी है, नहीं समझ आया क्या हुआ। विशेषण में कार्य अन्वयी, कार्यान्वयी ऐसा लिखे हैं, क्या लिखे हैं, उल्टा बुल्टा ना लिखे बोले पर। हाँ विशेषण पे है कार्य कार्यान्न कार्यान्वयित्वे सति विद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्व। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उपाधि का है गुरुजी कार्यान्वयत्वे सति विद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्व। हाँ 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 ठीक है। एक और गुरुजी आपने अभी लिखाया था कार्य अनन्वयत्वे सति अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्व, उपलक्षण है, उपलक्षण उपलक्षण, हाँ उपलक्षण हुआ, तीन समझ में आया क्यों। हाँ इसको फिर सांकर्या ना करिएगा है ना, सांकर्या ना करिए, समझ में आया। हाँ तो ये लोहित तो क्या है, विशेषण की उपाधि है, लोहित्य स्फटिक में विशेषण है कि उपाधि है, उपाधि, क्योंकि उसका विद्यमान तो है लेकिन संबंध नहीं है, जी नहीं है, समझ में आया, ये समझ लो ठीक है। अच्छा आपने ये पूछ लिया तो मैंने कह दिया, चलो तो ये है तो ये उपलक्षण, इस उपलक्षण का अर्थ क्या है, हाँ जो वाक्य कहा गया है अपने अर्थ को बोध तो कराएगा लेकिन दूसरे को ही बोध करा देता है, ये उपलक्षण अलग चीज है। हाँ स्वबोधकत्व सति स्वतर बोधकत्व, हाँ ये उपलक्षण का स्वरूप अलग हुआ, नहीं समझ में आया। अरे भाई वैदिक क्या कहा, देखो वैदिकम कहा कि नहीं, वैदिक तो अपने वैदिक शब्द को बोध तो कराया लेकिन वेद मूलक को जो स्मृति वाक्य आदि है उसको भी बोध कराया, ये तात्पर्य हुआ, उपलक्षण हुआ। ये उपलक्षण किसका, किसका, अरे उपलक्षण है वो जो जैसे देवदत्त का घर कहाँ है ये पूछा ना,
कि गांव में गया, देवते घर में जा रहा है, वो पूछा कि देवदत्ता का घर कहाँ है। ओ देखो कौवा, उसके घर में उड़ रहा है, वो घर के ऊपर कौवा उड़ रहा है। वो जो कौवा है वो हो जाएगा उपलक्षण। किसका उपलक्षण हुआ? घर का ऊपर। संकेत है ना, संकेत। हाँ संकेत मान लो, सूचक। हाँ सूचक, वो सूचक हो गया ना, वो उपलक्षण का अर्थ सूचक मान लो। कार्य अनन्वय, हाँ, कार्य का अनन्वय किसमें हो रहा है? कार्य हो गया देवदत्त का घर। हाँ, हाँ उसका अनन्वयी मतलब असंबंधी, अनन्वयी का अर्थ अन्वयी का अर्थ संबंधी, अरे अनन्वयी का अर्थ असंबंधी। तो देवदत्त घर के साथ संबंध है क्या उसका? वो तो ऊपर उड़ रहा है, वो उसका क्या संबंध है? आया अभी ये समझ के रख लो, है ना? क्या वैदिक में कैसे गुरुजी? अरे वैदिक वैदिक कोई उपलक्षण कहा जाए, वो उपलक्षण नहीं। जैसे देवदत्त का घर, वो तो इतरों का व्यावर्तन किया क्या? जी जी, वो तो दूसरे घर से व्यावर्तन किया। किसने किया? कोवा किया। वो उपलक्षण का स्वरूप अलग है वो। अरे ये जो उपलक्षण कहते हो, मतलब वैदिक शब्द अपने अर्थों को बोध कराया, ये जो वैदिक आया। और अन्य कौन है? स्मृति आदि, उसको ये बोध कराया। ये उपलक्षण का स्वरूप अलग है, है ना? प्रसंग के अनुसार लेना है। किसके अनुसार? प्रसंग के अनुसार लेना है। यदि लेना है तो कार्य अनन्वयत्व स्थिति अविद्यमानत्व स्थिति ये वाला लेंगे अथवा दूसरा वाला? अरे अभी जो बताया भाई, स्वबोधकत्व स्थिति। ठीक ठीक, हाँ ये उपलक्षण यहाँ पर ठीक है। नहीं तो गड़बड़ नहीं करना है। इदम उपलक्षणम, उपलक्षण शब्द होने से, ये वैदिक शब्द उपलक्षण हुआ। उपलक्षण होने से क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है। श्वेतर स्व से इतर कौन हो गया? स्मृति आदि, उसको ही बोध करा देगा। आप समझ में कि नहीं? ऐसा होता है। आगे लिखा है देखो, वेद मूलक स्मृति आदि अपनी ग्राह्याणी, वेद मूलक जो स्मृति आदि है उसको भी ग्रहण करना चाहिए। हो गया कि नहीं हुआ? हाँ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। लौकिकम तो इसी प्रकार उपाधि जब आएगी ना, वहां पर भी तो समझना है। आप जो आप कह रहे थे ना उपाधि, तो पर्वत दुमान बनने आदरण संयोग उपाधि, तो उपाधि करने से वो अलग हो गया उपाधि। हाँ सादे व्यक्त वो अलग है, हो गया। तो ये उपाधि को यहाँ पर नहीं लेना। ऐसे समझ में कि नहीं? प्रसंग के अनुसार लेना पड़ेगा ना। चलो लौकिकम तो आपतोक्तम प्रमाणम, ये कहा था ना। हाँ लौकिक क्या है? वेद वाक्य भिन्नम, वेद वाक्य से भिन्न जो वाक्य है उसको क्या बोलेंगे लौकिक। वो कब प्रमाण होगा? आपत से यदि उक्त हो तो तब प्रमाण होगा। अच्छा आपतोक्तम किम, देखो आगे लिखा है, आप तो पूर्व यथार्थ वक्ता कहा ना, ये कह रहे देखो, प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञानवत्तम, यही आप तत्तम। ठीक है, प्रयोग, प्रयोग मतलब शब्द का प्रयोग करेगा वो। प्रयोग मतलब क्या है? शब्द का जो प्रयोग करेगा है, तो जिस शब्द का प्रयोग करेगा है उसमें मूल क्या है? यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान पूर्वक ना शब्द बोलेगा कि बिना नशा खाकर बोले? इसलिए क्या है बोलता, अर्थम बुद्ध्वा शब्दान प्रयुंगते, है कि नहीं? अर्थम बुद्ध्वा शब्दान प्रयुंगते, कि नहीं? जिस शब्द का प्रयोग करेगा उसके अर्थ का ज्ञान पहले होना चाहिए, चाहे परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो। समझ में है ना? इसलिए प्रयोग में शब्द, शब्द प्रयोग का हेतुभूत कौन हो गया? यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान वाला कौन होगा? वक्ता, वही आप तो पुरुष हो गया। ये यथार्थ ज्ञानवत वो पुरुष में रहेगा, यथार्थ ज्ञानवत तुम, हाँ
यथार्थ यथार्थ ज्ञानवत हो गया पुरुष, और यथार्थ ज्ञानवत तुम पुरुष में रहेगा, ऐसे में ना हो गया भाई। और उससे जन्य क्या होगा, उसे जन्य वाक्य होगा, वो होगा प्रमाण, हो गया कि नहीं। आप्त वाक्य में क्या हुआ, देखो प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान जन्य वाक्यत्म, आप्त वाक्यत्म किम बोलिए, यथार्थ ज्ञान जन्य वाक्यत्म हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ क्या अर्थ हुआ फिर बोलिए, प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान जन्य वाक्यत्म किम है, आप तो वाक्यत्म और आप तक तुम किम यथार्थ ज्ञानवत्तम किम आप तक तुम हो गया, और आप तो वाक्यत्म किम ज्ञान ज्ञानजन्य वाक्यत्म, इसको आप तो वाक्यत्म हो गया, ऐसा है। अच्छा भाई पदकृत देखो, ननु एतावता शब्द सामग्री प्रपंचिता, यहाँ तक जो है शब्द सामग्री प्रपंचिता, शब्द की सामग्री, सामग्री मतलब क्या, कारण कलाप, कारण समुदाय को बोलते हैं सामग्री, ठीक है। शब्द क्या है, प्रमा, शब्द प्रमा के लिए सामग्री सब बताइए ना, पद ज्ञान करण है कि नहीं, वृत्ति ज्ञान सहकारी कारण है, कहा कि नहीं कहा, फिर आकांक्षा का ज्ञान, योग्यता का ज्ञान और सन्निधि का ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान, ये सब क्या है, सामग्री हो गया। सामग्री किसके, शब्द प्रमा के प्रति सामग्री, ये सब प्रपंचिता विस्तार से कही गई, हो गया। अच्छा अब देखो, प्रमा विभाजक वाक्य शब्दस्य अपि उद्देश्य, क्या लिखा है, शब्दस्य अपि उद्दिष्टत्वेन, उद्दिष्टत्वेन तत्कुतो न प्रदर्शितम्। देखो प्रमा कितने हैं, प्रमा चार है, प्रमाण चार है तो प्रमा भी चार है, तो प्रमा का विभाजक वाक्य क्या है, यथार्थ अनुभव चतुर्विध, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द भेदात, इसको क्या कहते हैं, प्रमा विभाजक वाक्य, प्रमाचार है उसको विभाजन करने वाला, अलग अलग बताने वाला वाक्य कौन हुआ, वही वाक्य है यथार्थ अनुभव चतुर्विध, ये सब कह रहे हैं, समझ में। तो ये होगा प्रमा विभाजक वाक्य, तो प्रमा विभाजक वाक्य में है तो शब्दस्य अपि उद्दिष्टत्वेन, शब्द भी क्या है उद्दिष्टत्वेन, मतलब उद्देश्य के रूप से, उद्देश्य क्या जानते हैं, उद्देश्य क्या है, नाम आत्रण, नाम आत्रण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य है कि नहीं। तो जो शब्द है शब्दस्य अपि उद्दिष्टत्वेन, हाँ मतलब उद्देश्य के रूप से, कुतो न प्रदर्शितम, उसका प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया, कौन पूर्व पक्षी कह रहा है, क्या कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है, तो बोलते हैं अरे यही तो है शब्द प्रमाण, क्या है वाक्यर्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम, यही तो है वाक्यर्थ ज्ञान को ही तो शब्द ज्ञान कहा जाता है, इसका मतलब कहा गया है कहाँ पर, वहीं पर कहा गया, कहाँ पर है, प्रमा विभाजक वाक्य में, यही तो है प्रमा, और क्या है वाक्य अर्थ ज्ञान ही क्या है, शब्द ज्ञान, यही शब्द प्रमा है, हो गया भाई। अच्छा अच्छा देख, हाँ देखो शब्द क्या है, शब्द क्या है, प्रमा है, शब्द है प्रमा, प्रमा क्या चीज है, कौन सा पदार्थ है प्रमा, ज्ञान की पदार्थ माया, गुण बोलिए, गुण है प्रमा ज्ञान है, इसलिए किस में आया, गुण में आया ना, गुण में आया,
अच्छा, तो गुण में जाती रहेगी, गुण में जाती रहेगी, गुण में जाती नहीं रहती क्या? रहती है ना गुण में। हाँ, जैसे प्रमा है, प्रमा में जाती रहेगी, तो प्रमा में जाती क्या रहेगी? प्रमा तो रहेगी ना, रहेगी नहीं? तो प्रमा बहुत सारे है कि नहीं? चार है प्रमा, तो प्रमा तो कितने में रहेगी? प्रमाण तो चार में हाँ, रहेगी। तो शाब्दक प्रमा है, तो जो शाब्दक तो रहेगी, रहेगी। अच्छा, समझ में है ना? तो कहते हैं कि शाब्दत्व तो का प्रत्यक्ष होगा क्या? होगा होगा। हाँ, शब्द का प्रत्यक्ष होगा क्या? ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, शब्द का प्रत्यक्ष तो होता है, ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। होता है, नैयायिक लोग मानते हैं होता है ना? तो कैसे होगा? अनुभव। हाँ, सुनो, ज्ञान ज्ञान का है, तो ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुव्यवसाय से होगा। किसे होगा? अनुव्यवसाय से होगा। जैसे मान लीजिए अयम घट, ये ज्ञान हुआ कि ना? किससे हुआ? चक्षु से हुआ। किससे हुआ? चक्षु से हुआ, ठीक है। फिर आप कहोगे कि घट घटम अहम जानामि, अथवा घट ज्ञानवान अहम, क्या घट ज्ञानवान अहम। अब किसका ज्ञान हो रहा है? घट ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो घट ज्ञान को कहते हैं व्यवसाय ज्ञान, व्यवसाय क्या कहेंगे? और घट ज्ञान को विषय करने वाला जो ज्ञान है उसको कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान। क्या कहते हैं? तो अनुव्यवसाय जो ज्ञान होगा वो मन से होता है, ये लोग मन से मानते हैं। लेकिन ज्ञान तो आत्मा में उत्पन्न होगा, लेकिन मन से होगा, उसको स्वयं प्रकाश मानते हैं। किसको? अनुव्यवसाय को। वेदांती लोग उसको साक्षी मानते हैं, अनुव्यवसाय ज्ञान यही साक्षी है, समझे कि नहीं? लेकिन ये लोग ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। क्या कौन? मानस पक्ष तो है ही हो। हाँ, मन से हो रहे हो, उसका विषय कौन है? ज्ञान है, घट ज्ञान, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे, श्रोत्रेंद्र से क्या होगा? शाब्द प्रमा होगा, होगा होगा। अच्छा, शाब्द प्रमा को विषय करने वाला अनुव्यवसाय ज्ञान होगा। हाँ, मुझे शाब्द ज्ञान हुआ, मुझे शब्द प्रमाण से, शब्द प्रमाण से मुझे शाब्द बोध हुआ, है कि नहीं? शब्द प्रमाण है उसके, शब्द प्रमाण से क्या होगा? शाब्द प्रमा होगा, होगा कि नहीं होगा? है ना, यही कह रहा है, देख लो। साधकम च शब्दात प्रत्ययमी इति अनुभव सिद्धा जाति ही। देखो, शब्दात क्या लिखा है आगे? प्रत्ययमी ऐसा लिखा है, मतलब शब्द प्रमाण से शब्द शब्द बोध मैं कर रहा हूं, मतलब शब्द प्रमाण से शब्द बोध मुझे हुआ। सुन रहे हैं क्या? शब्द प्रमाण से शब्द बोध मुझे हुआ, ये अनुभव है कि नहीं? ये अनुभव हुआ। तो अनुभव क्या है? ये अनुव्यवसाय ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान, ये अनुभव हो गया है ना। तो इस अनुभव से जाति का भी ज्ञान होगा कि नहीं होगा? किस जाति का? शाब्दत्व जाति का। शाब्द है प्रमा, उसमें शाब्दत्व जाति रहेगी, है कि नहीं? जैसे मान लो घट ज्ञान मुझे हुआ, है कि नहीं? घट ज्ञान, अथवा मान लीजिए अयम घट पहले ले लो। अयम घट जब कहेंगे, घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, घटत्व का भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो घट के साथ साथ घटत्व का भी होगा ना, जाति का भी होता है। इसी प्रकार से शब्द प्रमाण से मुझे शाब्द बोध हुआ, तो शाब्द में शाब्दत्व का भी होगा कि नहीं? प्रत्यक्ष होगा। हाँ, ये मानते हैं, ठीक है। ये जाति अनुभव से सिद्ध हुआ, सिद्ध हुए किस अनुभव से? अनुभवशय से। अनुव्यवसाय ज्ञान रूपी जो है अनुभव, उससे जाति सिद्ध होगी, शाब्द में शाब्दत्व जाति होगी, हो गया। अच्छा, आगे देखो। शाब्द बोध क्रमो यथा, शाब्द बोध का जो क्रम होता है, इस क्रम को पदकृत्यकार दिखा रहा है, बड़ा अच्छा दिखा रहा है। जैसे देखो, चैत्रो ग्रामम गच्छति,
है ना, चैत्रो ग्रामम गच्छति, है ना भाई। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चैत्र प्रथमा का एक वचन, ग्रामम द्वितीया का एक वचन, गच्छति क्रियापद है। तो ये लोग क्या मानते हैं, सुनो, गच्छति है ना, गच्छति, गच्छति में गम धातु है, गच्छति में गम धातु है, आगे तीन तिंग प्रत्यय है, तीप है ना, तीप, ते तिंग हाया, लकार है ना, लट लकार के स्थान पर तीप आदेश हुआ है कि नहीं। तो ये लोग क्या मानते हैं, देखो ये लोग जो मानते हैं ना, हैं तो गच्छति है, क्या है, गच्छति में गम धातु है, गच्छति में क्या धातु है, गम धातु है। तो गम धातु का अर्थ क्या मानेंगे लोग, गमन क्रिया, क्या कहेंगे, व्यापार, व्यापार, क्या कहेंगे, व्यापार, क्या कहेंगे, अरे गम धातु का अर्थ क्या होगा, व्यापार, क्या होगा, व्यापार, ऐसा ही लोग मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, व्यापार। कुछ लोग व्यापार मानते हैं, कुछ लोग फल विशिष्ट व्यापार भी कहते हैं, ये लोग सुनते हैं ना, ऐसा है। और भैया कण लोग क्या मानते हैं, आज बताया था योग में, फल सहित तो है फलानुकूल, फलानुकूल यत्न सहित तो व्यापार धातु अर्थ, ये व्याकरण लोग मानते हैं ना, श्यामदेव जी, जी। हाँ क्या मानते हैं, बोलो, तुम व्याकरण हो, बोलो, फलानुकूल, फलानुकूल यत्न सहित तो व्यापार धातु अर्थ ऐसे मानते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन ये लोग नया लोग क्या मानते हैं, केवल व्यापार मानेंगे, क्या मानेंगे, व्यापार, कुछ लोग, और कुछ लोग फल विशिष्ट व्यापार भी कहते हैं, पहले व्यापार समझ लो, है ना। तो गम का अर्थ क्या होगा, व्यापार, क्या होगा, व्यापार, ठीक है। आप पहले समझ लीजिए इनकी क्या प्रक्रिया है, हो गया ना। अच्छा तीप है, गम के बाद तीप है, गच्छति में तीप है कि नहीं, हो गया ना। उसका अर्थ क्या होगा, कृति, उसका अर्थ क्या होगा, कृति में शक्ति मानेंगे। लकार जो है ना, आख्यात बोलते हैं ना, आख्यात कहते कि नहीं, तो वह तो उसकी शक्ति कहाँ मानेंगे, कृति, क्या मानेंगे, कृति कहाँ पर रहेगी, चेतन में रहती है, कहाँ पर रहेगी, समझ में आया, कहाँ रहेगी, चेतन में रहेगी, ऐसा मानते, समझ में आया ना। अच्छा, और फल का कथन कहाँ किससे होगा, वो तो द्वितीयांश से हो जाएगा, क्या, द्वितीयांत, द्वितीयांत, ठीक है ना, ऐसा मानते हैं। अच्छा, और कर्ता का ज्ञान किससे होगा, प्रथमांत से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, प्रथमांत से हो जाएगा, ऐसा मानते हैं, समझ में। अच्छा अब देखो क्या बताते हैं, अरे ये जो व्यापार है, क्या है, व्यापार है, सुन रहे ना, व्यापार है ना, व्यापार, ये नहीं सुने, फल व्यापार और कृति, फल व्यापार कृति और कर्ता, ये देखो पहले देखो, फल व्यापार कृति, उसके बाद क्या है, कर्ता, ऐसा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, कैसा हुआ, फल व्यापार उसके बाद कृति कर्ता, ठीक है। और फल और जो व्यापार है, फल और व्यापार है, उसमें क्या होगा, अनुकूलत्व संबंध होगा, क्या होगा, अनुकूलत्व, फल और व्यापार में क्या संबंध होगा, ले फलानुकूल व्यापार, क्या व्यापार होगा कि नहीं होगा, फलानुकूल व्यापार, तो संबंध क्या होगा फल और व्यापार में, अनुकूलत्व, अनुकूलत्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा व्यापार कहाँ पर होगा, व्यापार कहाँ पर होगा, नहीं पहले कृति होगी, क्या, कृति चेतन में होती है, क्या समझा, कृति चेतन में होती है, ठीक है।
और व्यापार, व्यापार तो शरीर आदि में भी होगा, कहाँ पर, शरीर आदि में भी होगा, ठीक है, अथवा वो रोत आदि में भी होगा, क्या रोत से जा रहा है क्या, हाँ देवदत्त कहाँ, गांव जा रहा है, किससे जा रहा है, रथ से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है कि नहीं, रथ में व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अच्छा व्यापार अनुकूल कृति, हाँ पहले कृति होगी कि पहले व्यापार होगा, कृति बोलते हैं चेतन का धर्म, ये लोग क्या मानते हैं, कृति चेतन में रहेगा, हाँ व्यापार रथादि में रहेगा, कहाँ रहेगा, रथादि में रहेगा, समझ में आया। तो व्यापार और कृति में फिर इसमें भी आएगा अनुकूलत्व, तो आएगा क्या आएगा, अनुकूलत्व तो आएगा, समझ में आया, इनकी प्रक्रिया लंबी जोड़ी। और कृति और चेतन में क्या आएगा संबंध, नहीं चेतन में आश्रय तो होगा, कृति का आश्रय नहीं होगा, चेतन समवाय संबंध मानते ना लोग कृति चेतन का धर्म मानते हैं लोग, विशिष्ट चेतन है ना, आ गया, ये इनकी प्रक्रिया है, इनकी ये प्रक्रिया, देखो कैसे कह रहे हैं, है ना सामदेव जी, हाँ कृति और, कृति और जो कर्ता चेतन है ना उसमें आश्रय तो होगा, भाई कृति का आश्रय, हाँ आश्रय तो हो जाएगा ना, कृति का आश्रय कौन होगा, चेतन नहीं होगा, हो जाएगा ना, देखो ये यहाँ पर कह रहे हैं, ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमास चेत्र, देखो लिख दिया है ना, हाँ ये किसका अर्थ हुआ, क्षेत्रो ग्रामम गच्छति, है तो ग्रामम है ना, उसमें द्वितीय अंत है कि नहीं, ग्रामम में द्वितीय अंत है, तो द्वितीय का अर्थ क्या होगा, कर्मत्व है, इसलिए कहते हैं ग्राम कर्मक, हो गया ग्राम कर्म को, ग्राम कर्म का कौन, गमन क्रिया, गमन व्यापार है, व्यापार है ना, इसलिए ग्राम कर्म यस्य है तत् ग्राम कर्म को, ग्राम कर्म कम कौन है, गमन मतलब है ना, मतलब गमन रूपी व्यापार का कर्म कारक का कौन है, कहाँ जा रहा है, गांव है कि नहीं, समझ में ना, इसलिए ग्राम कर्म को कौन हो गया, गमन है कि नहीं, गमन से अनुकूल कौन होगा, अभी बताया था ना, गमन के लिए अनुकूल पहले क्या होनी चाहिए, कृति, कृति होनी चाहिए ना, इसलिए कृति बोल दिया। अब वर्तमान अर्थ कहाँ से आया, वही आख्यात से आ जाएगा, लड़ लकार है ना, गच्छति है, हाँ वह तो आख्यात जो है उसे क्या आ जाएगा, वर्तमान आ जाएगा ना, वर्तमान लट लकार है ना आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, आ जाएगा वो प्रत्यय से आ जाएगा, ठीक है, ये गमन अनुकूल वर्तमान कृति, ये कृति और गमन व्यापार में क्या संबंध हुआ, अनुकूलत्व, अनुकूलत्व आ गया, व्यापार और कृति में बोल रहा हूँ मैं, अनुकूलत्व हो गया है कि नहीं, और कृतिमास चेत्र, कृतिमास चैत्र, कृति और चैत्र में क्या संबंध है, आश्रय, कृति का आश्रय कृतिमान कहा ना, कृति अस्य अस्तित्व कृतिमान, कृति का आश्रय कौन, चैत्र हो गया, ऐसा हाँ ये होता है शब्दबोध का क्रम, ठीक है हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।